हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी 22,000 लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और आज भी अगर आप देखो 22,100 तक जरूर गया, लेकिन उसके बाद वापस हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम सेक्टर्स को लेकर हियरिंग हुआ है, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. सो लेट्स सी, हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि 11,270 एक लेवल है, अगर वो क्रॉस करता है तो निफ्टी बुलिश हो सकता है. और आज अगर आप देखो 11,270 क्रॉस करने के बाद 11,350 तक जाके आया निफ्टी, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के नीचे ही अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे सकता है. अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो 11,600 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है. तो हमें लेवल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा. वापस बोल रहा हूँ 11,270 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, नीचे में 11,200 का एक सपोर्ट है. 11,200 अगर टूटता है तो वापस हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, और जब तक 11,270 के ऊपर है तब तक हमें एक बुलिश अप मूव हमें देखने को मिल सकता है. तो निफ्टी में आप कोई भी बेरिश ट्रेड ना ले, निफ्टी में सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है तो 11,600 तक भी निफ्टी जा सकता है. अब बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं. बैंक निफ्टी 22,000 मैंने आपको एक लेवल बताया था, अभी भी वो लेवल पे एक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है. अब देखते हैं कल के दिन में क्या रिएक्शन हो सकता है. अगर 22,000 के नीचे खुलता है 21,800 21,750 तो वापस एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है. थोड़ा सा आपको एबनॉर्मल मार्केट देखने को मिल सकता है कि निफ्टी ऊपर है बैंक निफ्टी नीचे है. अगर 22,100 क्रॉस करता है 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर, तो डेफिनेटली एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में 22,500 एंड 22,700 तक. तो एक 600-700 पॉइंट का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो. आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा. 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बुलिश ट्रेड की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर 21,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो आपको बेरिश ट्रेड की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनआईटी टेक सेल दिया था. एनआईटी टेक सेल ट्रिगर हुआ ही नहीं है. 1971 के नीचे मैंने सेल दिया था. सन टीवी मैंने सेल दिया था 392 के नीचे, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. एंड मैंने आपको एशियन पेंट भी बाय दिया था, इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है. इसमें एक्चुअली ट्रेड लेने के बाद 7-8 रुपए ट्रेड फेवर में गया. 1817 पे मैंने बाय दिया था, 1824 तक जाके आया, उसके बाद मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस किया था, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1810 पे ट्रिगर हुआ है. तो इसमें भी एक स्मॉल लॉस हुआ है, कई लोगों का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ होगा. तो मैंने दो ट्रेड दिए थे, दोनों ट्रेड जो ट्रिगर हुए हैं दोनों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं. अब यहाँ पर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ. नंबर वन, मैंने आपको हर एक वीडियो में यही बोला है कि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है. अगर लेवल ट्रिगर होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है. तो एशियन पेंट में अगर हम लोगों ने बाय ट्रेड का प्लान किया है, अगर ऊपर जाता है, अगर हमारे लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो ही हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाइंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे और सेलिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग के लिए हम लोगों ने प्लान नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लेना है, नंबर वन. नंबर टू, आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना पड़ेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर मेरा सारे ट्रेड लेते हो तो आप एक क्वांटिटी डिसाइड कर लो, उसमें 100 क्वांटिटी पर ट्रेड. तो जो भी मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं उसमें आप फिक्स क्वांटिटी में ट्रेड करो 100 क्वांटिटी. ठीक है, कई लोग क्या कर रहे हैं मिस्टेक इसमें कि सन टीवी में वो 200 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, एशियन पेंट में 50 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं. तो उसमें क्या होगा, आपका कोई किसी ट्रेड में लॉस ज्यादा होगा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो वो आपको नहीं करना है, उससे आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा. तो मैं आपको यह एडवाइस करूंगा, आप हर एक ट्रेड एक फिक्स क्वांटिटी में ही ट्रेड लो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिसाइड किया कि 50 क्वांटिटी में ही मैं ट्रेड करूंगा, तो आप जितने भी ट्रेड ले रहे हो मेरे, सबके सब आप 50 क्वांटिटी में ही ट्रेड लो, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो सन टीवी हो, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, कोई भी स्टॉक हो, आप फिक्स क्वांटिटी कर लो, 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी. वो फिक्स क्वांटिटी में ही आपको एवरी ट्रेड लेना है. ठीक है, तो मैं आपको जो ट्रेड बता रहा हूँ उसमें आप क्वांटिटी मेंटेन करना, सेम क्वांटिटी, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है. सबसे पहला स्टॉक होगा पीडीलाइट. पीडीलाइट मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है. अगर मैं यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो 1400 का राउंड ऑफ नंबर है. अगर वो क्रॉस करता है तो एक 30-40 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो पीडीलाइट काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है पीडीलाइट में.
एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा एचपीसीएल। एचपीसीएल मुझे सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है, फिर एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाया है। जैसे ये बड़े रेड कैंडल का लो टूटेगा, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन एचपीसीएल काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है। एंड लास्ट स्टॉक होगा कोलपाल। कोलपाल भी मुझे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है। अगर आप देखो एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, एक बड़ा फॉल आया था फिर एक वेज पैटर्न बन रहा है, ऊपर में प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कोलपाल भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन में। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।